Here we are. Now we are live. बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम साथियों, तमाम डिजिटल शो देखने वाले, डिजिटल वर्ल्ड के लोग सबको मेरी जानिब से एक बार फिर अस्सलाम वालेकुम। और मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ अपने पैगाम, अपने इस प्रोग्राम में, डिजिटल सेनेटर शो में। और आज जैसा कि आप जानते हैं, हमारे शो में पार्लियामेंटेरियंस जो हैं वो हिस्सा लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हमारी बहुत ही अच्छी पार्लियामेंटेरियन बहन मिसेस शहनाज सलीम, और इनका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है। और इन्होंने हमें ईद के दिनों में हमारे लिए टाइम निकाला और हमसे गुफ्तगू शुरू करेंगी, इस पर मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। लेट्स गिव हर अ बिग हैंड। तो इनको हम वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से हैं बहन? अच्छी हैं, ठीक हैं। थैंक यू वेरी मच, आपने हमें मौका दिया। अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र है। करते हैं इसमें, हमारे प्रोग्राम का फॉर्मेट कुछ इस तरह है बहन के, हम इस क्योंकि ये एक डिजिटल वर्ल्ड का प्रोग्राम है और डिजिटलाइजेशन पर है, हम कतई तौर पर इसमें कोई पॉलिटिक्स की बात नहीं करते, किसी को ड्रैग नहीं करते, किसी की बैशिंग नहीं करते, किसी की फेवर नहीं करते, और इसी तरह मजहबियत के बारे में कतई तौर पर कोई बात नहीं करते। हमारा प्रोग्राम पाकिस्तानियों के लिए है, पाकिस्तानियत के लिए है, और पाकिस्तान को जल्द अज जल्द डिजिटल पाकिस्तान बनाने के लिए है। नाउ ओवर टू यू बहन, आप अपनी जिंदगी के बारे में, अपने बचपन, अपने स्कूल, अपने घर वालों के बारे में 12 से 15 मिनट में जो बताना चाहें, यू आर मोस्ट वेलकम। ओवर टू यू, प्लीज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम शहनाज सलीम है। मेरे हस्बैंड का नाम है मलिक मोहम्मद सलीम, वकील हैं, एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के, और मेरी एजुकेशन है एम एलएलबी, बेसिकली वकील कहलवा सकती हूँ अपने आप को। प्रैक्टिस की थी शुरू में जब एलएलबी की थी मैंने मास्टर किया हुआ है बीजेडयू से हिस्ट्री में, और सेमेस्टर सिस्टम था उस वक्त, मेरे ख्याल यूनिवर्सिटी के शुरू के दिन थे, पुराने कैंपस हुआ करते थे हमारे। और मेरा ये था कि सियासत की मैं थोड़ी सी बात आ तो जाएगी लाजमी, अपने एमएनए होने की वजह से मेरा थोड़ा सा घर का माहौल सियासी इस तरह था कि मेरे भाई बहुत इंटरेस्ट लेते थे, और शुरू ही से उनका मुस्लिम लीग नून उस वक्त नहीं बनी थी लेकिन ताल्लुक मुस्लिम लीग से था। वाले साहब भी मुस्लिम लीग से ही थे, और उनके पास भी कोई ओहदा उस वक्त था, मेरे अब जहन में नहीं है, जॉइंट सेक्रेटरी थे या एडिशनल सेक्रेटरी, कुछ इस तरह का, बचपन की बात है। मुझे फिर बहुत ज़्यादा शौक था, मैं इस तरह यहाँ तक नहीं पहुँची हूँ, मैं स्टेप बाई स्टेप आई हूँ। मैं काउंसलर बनी हूँ, फिर डिस्ट्रिक्ट काउंसलर बनी हूँ, फिर एमपीए, फिर अब माशाल्लाह तीसरी दफ़ा एमएनए हूँ, और शादीशुदा हूँ, माशाल्लाह 5 बच्चे हैं मेरे। बाकी आप किस किस्म का पूछेंगे, यही मेरा तारुफ तो ये है। हेलो हेलो, सॉरी एक मिनट जी, मैंने कहा बहन माशाल्लाह आप, अब आवाज आ रही है जी मेरी? आवाज आपकी आ रही है, शायद मेरी नहीं आ रही थी आपको। नहीं, अब आ रही है जी आवाज, अब ठीक आ रही है जी, आ रही है आपकी आवाज, आ रही है। दैट्स ग्रेट जी। मैंने कहा आप माशाल्लाह सीनियर पार्लियामेंटेरियन हैं, और जैसा कि आपने कहा कि आपका ताल्लुक पॉलिटिकल घराने से है, और आप नहीं, मैंने कहा है कि कोई खास नहीं कह सकती, बड़े हां बस जैसे एक वर्कर टाइप घराना होता है, यूं समझ लें जी, ठीक है। बैक नहीं है, सियासी कोई बैकग्राउंड नहीं है, ये मैं कह रहा हूं। बैकग्राउंड आपका नहीं है, लेकिन आपने खुद बहुत मेहनत की, हिम्मत की कि काउंसलर बने, फिर एमपीए बने, फिर एमएनए बने, ये तो मैंने आपका प्रोफाइल देखा है, और डेरा गाजी खान से आपका ताल्लुक है माशाल्लाह। डिस्ट्रिक्ट काउंसलर शुरू पहले बनी थी ना जी, आपने ये बिल्कुल डिस्ट्रिक्ट काउंसलर क्या बनी जी। तो आप क्या समझते हैं कि
ये किसी भी एक हमारे निजाम में, हमारे सिस्टम में किस चीज को आप समझती हैं कि बेहतर की जाए तो हमारे यहाँ जो है वो मजीद गवर्नेंस का निजाम बेहतर हो सकता है? गवर्नेंस का निजाम जिस तरह का आपका टॉपिक है, अगर उस नजरिए से आप बात कर रहे हैं तो मैं कहूंगी कि ये जो डिजिटलाइजेशन है ना, इस दौर की जरूरत है, जरूरत का बहुत ही ज्यादा अहम है। इसको अगर इस तरह से मुल्क चलें इस डगर पर चलते रहें तो बहुत जल्दी तरक्की कर लेते हैं, बहुत जल्दी मुल्क आगे चले जाते हैं। जैसे ये कि आप इस डिजिटलाइजेशन के दौर में किस तरह हम देखते हैं कि भी हम अपने आप को तरक्की के रास्ते पे चला सकते हैं, और किस तरह हम इसको इस डिजिटल टेक्नोलॉजी से हमारी सकाफत, हमारे माशरे पर पॉजिटिव असरात ये डालती है। और इसमें मैं जब कहूँगी कि ये तकरीबन जो हर शोबा है हमारी ज़िंदगी का, उस पे इसके असरात हैं भी सही और होने भी चाहिए। और जैसे हेल्थ केयर है, कानून नाफिज करने वाले मंसूबे हैं, और इसी तरह अपना तालीम है, फन है हमारा। तो मैं इस आप कहते हैं कि सियासी बात ना करूं, लेकिन मुझे जरूर अपनी पार्टी के हवाले से ये जो मुस्लिम लीग नून ने लैंड रिकॉर्ड जो है ना और विरासत के कानून को डिजिटल किया था, जो कि पंजाब में मौजूदा दौर में वैसे बहुत सुस्त हो गया, लेकिन ये बहुत ही अच्छा था प्रोग्राम। ये हालांकि शुरू मियां नवाज शरीफ के दौर में हुआ था 1997 में, लेकिन मुशर्रफ के दौर में फिर ये बिल्कुल सुकड़ कर रह गया था, सुस्त रवि पे चला गया था। अब भी कोई खास इन दो सालों में कोई ज्यादा पेशरफ नहीं हुई इनकी, इसकी आगे बढ़ने की बहर, लेकिन ये है सिस्टम में, है ये चीज हो रही है। इसी तरह फिर तालीम का हम कह सकते हैं, तालीम इस डिजिटल सिस्टम के तहत तालीम भी बहुत आगे जा सकती है। अब ऑनलाइन तालीम के जो सिस्टम है सब इसी का मरून मन्नत है। हम ये भी कह सकते हैं कि जैसे आजकल का कोविड का दौर है, कोविड को हालात हैं, इसमें ऑनलाइन बच्चों को तालीम दी जाती रही है, बच्चों की तालीम का हर्ज नहीं हुआ। अगर ये तरीके ना होते, ये डिजिटलाइजेशन का सिस्टम ना होता, ये डिजिटल टेक्नोलॉजी ना होती, तो जहर बच्चों की बहुत सी क्लासेस मिस होती, यूनिवर्सिटीज की क्लासेस होती रही हैं ऑनलाइन, और स्कूलों की क्लासेस होती रही हैं ऑनलाइन, बच्चे तालीम हासिल करते रहे हैं। इससे इसी तरह है अपना फन भी सीखते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि हम दुनिया के बहुत करीब हो गए हैं, जो हम इतनी दूर हो गए थे दुनिया से। अब ये हम अमेरिका में बैठ के, लंदन में बैठ के, पाकिस्तान में हम अपने रिलेटिव से बात कर सकते हैं आमने सामने बैठ के, जिस तरह हम और आप बैठे हैं। तो ये भी इसी का इसी की वजह से, और मैं तो कहती हूँ कि ये होना चाहिए और इसका होना ज़रूरी है ताकि मुल्क तरक्की करे, हर चीज़ आगे बढ़े। इसी तरह नकल हरकत है, मजहब है, नौकरियां हैं, उजरत है, तो बहुत सारी चीज़ें मैं बोलती जाऊँ तो हो सकती हैं। ये सिक्योरिटी है, मुस्लिम लीग नून ने सेफ सिटी प्रोग्राम के तहत बड़े शहरों में कैमरे लगवाए थे, जिसकी मेंटेनेंस नहीं है। अब आप कहेंगे कि कंपेयर कर रही है, इन दो सालों में कोई इनको इनकी मेंटेनेंस नहीं है। 8,000 कैमरे लगे थे लाहौर में, अब 4,000 काम कर रहे हैं, दो साल में 4,000 खराब हो गए हैं। ये तो हर चीज़, जैसे कंप्यूटर लें, लैपटॉप लें, इसकी निगरान देखभाल तो करनी पड़ती है हर चीज़ की। एक मोबाइल वो पकड़े उसी की भी देखभाल करनी पड़ती है, हम उसके ऊपर कवर शवर चढ़वाते हैं, ये करते हैं, लेकिन इनकी कोई देखभाल नहीं हुई थी। 8,000 से 4,000 हो गए हैं, और ये सारी इन दिनों की अदम तवज्जो की वजह से हुए हैं। और ये भी आज के जदीद दौर है, जिस तरह डिजिटल टेक्नोलॉजी का होना बहुत ही ज़रूरी है। अब जिस तरह लोग मुलाजम पेशा अपना ज़्यादा अपना काम ज़्यादा जल्दी और कम वक्त में कंप्यूटर पर कर लेते हैं, उतना मैनुअल नहीं हो सकता। इसमें फिर उनके इस तरह जल्दी काम करने से पैदावार सलाहियत में भी इजाफा होता है कंप्यूटर काम करने से। और हम इस टेक्नोलॉजी को अपनाने के लिए ज़रा भी हमें देर नहीं करनी चाहिए, जितना भी बेहतर हो सके, जल्दी हो सके, ये बहुत ज़रूरी है। इससे हमारे दूरियां ख़त्म हो रही हैं मुल्कों से,
तजारत बढ़ रही है और आमतौर पे हमारा जो टेक्नोलॉजी के जरिए दुनिया में ग्लोबल विलेज बना रहे हैं, बहुत इसमें मदद दे रहे हैं ये इस टेक्नोलॉजी से। इसके अलावा जल्दी काम हो जाने की वजह से हमारा रुपया और पैसा दोनों वक्त बचता है, पैसे भी बचते हैं वक्त भी बचता है। और आज के दौर में तो इस डिजिटलाइजेशन की बहुत ही ज़रूरत है ताकि हम दुनिया से जुड़े रहें, अलग ना हों। और इसके अलावा हमारे ज़िंदा रहने के लिए जो हमारे कारोबार हैं, तिजारत है, इसका भी तरीकाकार बदल गया है। ऑनलाइन तिजारत होती है, ऑनलाइन दूसरों मुल्कों तक हम खरीदो फरोख्त करते हैं। अब एक बात है, आजकल जिस तरह का माहौल है COVID-19 की वजह से सब अब ईद की सारी शॉपिंग ऑनलाइन हुई है। अगर यह सिलसिला ना होता तो शायद एक मिनट मैं माजरत का चाहूंगा, मेरा अगला सवाल यही है कि काइंडली जरा ये बताइएगा कि आपकी नजर में ये जो दुनिया में COVID-19 आया उस पर हमारी हुकूमत ने क्या किया, दूसरों ने क्या किया, इस पर मैं बात नहीं करूंगा। मैं सिर्फ ये चाहूंगा काइंडली थोड़ा सा रोशनी डालिए कि इसमें ये जो टेक्नोलॉजी की है इसकी जरूरत कितनी बढ़ गई, हमारे मुल्क में कितनी बढ़ गई और आगे हम इसमें क्या देख रहे हैं, काइंडली जरा इस पर बात कीजिएगा। अभी बहुत अच्छी आपने ऑनलाइन की बात शुरू की, उसी को हम कंटिन्यू करते हैं। ओवर टू यू। अब COVID-19 के हवाले से बात कर रहे हैं कि प्लीज 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 जी, उसके बाद जो ये कारोबार का रंग तब्दील हो रहा है और जिस तरह लोगों को इस पर जी यही तो कह रही हूँ मैं कि अब ये कि बैंकिंग का सारा सिस्टम हमारा ऑनलाइन हो गया है। हम एक जगह से बैठे बैठे ये अब छोटे लेवल पे ये जो है पैसा क्या कहते हैं उसको इजी पैसा फोन के जरिए ये सारा इसी का एक हिस्से बनते जा रहे हैं और ये होना जरूरी। अब गैर मुल्क में आदमी मर्द हजरात कमाने जाते हैं, घर पैसा भेजते हैं, मिनटों में पहुँच जाता है, सेकेंडों में पहुँच जाता है, घंटों में पहुँच जाते हैं ये। तो ये दूसरा सवाल क्या किया आपने? मैंने कहा जी कि अब आप क्या समझते हैं जैसे ये कारोबार में तरक्की आ रही है, ऑनलाइन बिजनेस के बारे में आपने बात शुरू की उसके ऊपर। कारोबार में तरक्की का है ना, ऑनलाइन इसकी वजह से हर चीज एक्टिव और इफेक्टिव हो गई है ना, जल्दी जल्दी हर काम होता है तो कंप्यूटर के जरिए, तो वो टाइम भी बचता है और मेहनत भी बचती है, वक्त भी बचता है। तो इसीलिए ये जो है तिजारत हमारी इससे बेहतर होती जा रही है। ये ना मुस्लिम लीग नून ने अपना डिजिटल पाकिस्तान पॉलिसी बनाई थी जिसके मुताबिक हर चीज यानी कि डिजिटल करने का प्रोग्राम था, लेकिन ये 2018 में उनकी पॉलिसीज बनती रही, फैनर हुई थी। मेरे नॉलेज में नहीं आ रही आवाज। नहीं, मैंने कहा जी मेरे नॉलेज में ये नहीं है। क्या चीज ये पॉलिसी वाला? 2018 में डिजिटल पॉलिसी बनाई थी, डिजिटल पाकिस्तान पॉलिसी। जी जी जी, लेकिन वो उस पे काम नहीं हो सका था, यानी कि वो फैनर हो गई थी। अच्छा, आईटी के महकमे को तरक्की मिल सके और ज्यादा ही ज्यादा काम हो उसके जरिए, उसकी तरक्की के लिए आप देखेंगे आपको मिल जाएगा कहीं ना कहीं। नहीं, बिल्कुल आप कह रही हैं, वो मैडम जो थी ना जी, जो आईटी मिनिस्टर थी, क्या नाम था उनका? अनुषा साहिबा जी। अनुषा साहिबा को मैंने देखा जी, वो पिंक कलर का लैपटॉप लेकर अक्सर मतलब वो पार्लियामेंट में भी और हर जगह पर माशाल्लाह बहुत एक्टिव थी वो। उन्होंने अपने वक्त में बहुत काम किया, वो हर वक्त लैपटॉप लेकर घूमती थी और उनका बहुत सारा काम हुआ हर साइड पे जब वो आईटी मिनिस्टर थी। जी तो वो पॉलिसी बनी थी, अब मेरे पूरी तफसील मेरे जहन में नहीं है। कोई बात नहीं, कोई देख लेंगे जी। इसी तरह आप नई हुकूमत ने भी अभी बनाई है, थोड़े सा नाम चेंज करके डिजिटल पाकिस्तान आगे कोई और लफ्ज लगता है, तो उन्होंने भी बनाई है पॉलिसी, लेकिन उसकी हल अभी तक कोई तफसीलात हमें नहीं पता। बताएंगे, जाहिर तफसीलात भी बताएंगे, उसका क्या वर्क है, क्या उसका मकसद है, सारे पता चल जाएगा जी। और ये आपने 100% दुरुस्त कहा, 2017 में भी बनी और बाद में उसमें 2018 में मजीद जिद्दत भी लाई है अपना मिनिस्टर साहब जी, जो अपना अनुषा रहमान साहब ने बनाई थी। बिल्कुल आप दुरुस्त कह रही हैं जी। और जो मैं यहाँ ऐड करना चाहूंगा माजरत के साथ कि जो डिजिटल पाकिस्तान ये हुकूमत वक्त ने बनाया, उनकी तो वो मैडम तानिया जो है
उनके खिलाफ तो करप्शन का केस जी, हो गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट। यही मैं कहने वाली थी, अभी कहने वाली थी जी, वो मैडम तानिया चली गई हैं, जहर है फिर ये नए सिरे से बनती है या इसी को फिर कायम रखते हैं। लेकिन मैं ये कहूंगी कि इस डिजिटल जो माहौलियाती कह सकते हैं हम निजाम सा चलने लगा है, तो इसके लिए ये तिजारत के लिए बहुत अहमियत का बायस है। इससे ताजरों को हर काम करने में बहुत ज्यादा आसानी है, टाइम की बचत, जैसे मैंने पहले कहा है, तो इसका इस पे भी काफी काम हो चुका है, हुआ था हमारे दौर में, हमारी हुकूमत में, और होता रहेगा। इसके अलावा इन्होंने सेफ पीएमएलएन ने सेफ सिटी प्रोग्राम एक बनाया था, वो कैमरों का, जो मैंने जिक्र किया है, इस्लामाबाद में भी हजारों में थे लेकिन 1500 अब एक्टिव हैं, और या 1500 खराब हुए हैं, क्योंकि मैंने, मेरे पास टाइम नहीं था, मैं अच्छी तरह सोच नहीं सकी है ये सारा। आप जरा ये बताइएगा, माशाल्लाह आप चूके अपना ग्राउंड लेवल पर और आम वर्कर्स के साथ काम करती रही हैं, तो हमारे यहाँ नौजवानों के लिए आप क्या बोलना चाहेंगी कि वो कैसे पाकिस्तान की, इस डिजिटल पाकिस्तान को पाकिस्तान बनाने में मदद दे सकते हैं, और आने वाले वक्त में उनके लिए बहुत जरूरत है ताकि वो इस डिजिटल पाकिस्तान में अपना रोजगार तलाश करें, अपने लिए काम ढूंढे, पूरी दुनिया के साथ लिंक हो, इस पर क्या कहेंगे? इसका हाल सिर्फ एक है कि एजुकेशन, जब तक वो एजुकेशन अच्छी नहीं हासिल करेंगे वो इस लेवल तक पहुंच नहीं सकेंगे। आजकल जदीद एजुकेशन जो कंप्यूटर से मुश्तमिल है, कंप्यूटर से ताल्लुक है उसका, और तिजारत से, पहले लोग तिजारत ऐसे करते थे, अब एमबीए करते हैं और पहले सारी एजुकेशन हासिल करते हैं फिर तिजारत करते हैं। इसी तरह ये अगर इनकी एजुकेशन बहुत अच्छी हमारे नौजवानों की, तो ये इनका पाकिस्तान पर एहसान होगा, पाकिस्तान पर इनका एहसान होगा, क्योंकि इनकी तालीम की वजह से पाकिस्तान में जो तरक्की होगी इस टेक्नोलॉजी की वजह से, इनके पढ़ने से, इसके टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके किस तरह ये मुल्क को बेहतर बना सकते हैं या बनाएंगे, ये सारा इनका जो है इसका जो अच्छे नतीजे निकालेंगे, तहकीक करेंगे, रिसर्च करेंगे इन सब बातों पे, तो ज़ाहिर है पाकिस्तान के लिए एक ये एक बहुत अच्छा कदम होगा। और इसके अलावा इनका, इनके अलावा जो आज जो है मुल्क की तरक्की के लिए अहम चीज़ है टैक्स, तो उसके टैक्स जमा करवाने के तरीके, अदायगी रकूम, उसकी वापसी, ये सब अगर इसके डिजिटल तरीके से चलेंगी तो काम बिल्कुल शफाफ होगा, और तमाम जो आपस जो मामलात हो गए इसकी वसूली के और टैक्स वसूली के, और इसको डिजिटल कर दिया जाएगा, तो ये इनके लिए, बल्कि ये तालीम ज्यादा हासिल करनी चाहिए जो इस तरह की हो। बहुत अच्छी बात जी। बहन, क्या आप इस बात से एग्री करेंगी कि आजकल हमारे बच्चे जो हैं वो अगेन, क्योंकि आपका तजुर्बा है और आपने स्टेप बाय स्टेप मेहनत करके तरक्की हासिल की और आज आप एक सक्सेसफुल पर्सनैलिटी हैं, तो हमारे बच्चे और बच्चियां जो हैं वो चाहते हैं कि शॉर्टकट लगा के ओवरनाइट उनको सब कुछ हासिल हो जाए, जरा उस पर थोड़ा सा आप अपना तजुर्बा बताइएगा। मैं, अब मेरा तजुर्बा तो बच्चों को लगेगा कि पता नहीं ये कौन से दौर की बातें कर रही है, लेकिन हकायक है वो हकायक है जी। मैं अपने फैमिली की पहली उस वक्त लड़की थी, अब औरत हूँ, थी जिसने रेगुलर मास्टर किया था, यानी कि मैंने बीजेडीयू से मास्टर किया था हिस्ट्री में, तो सेमिस्टर सिस्टम था लड़कों के साथ पढ़ना, और बुर्का पहन के मैंने किया था, यानी कि बकायदा बुर्का पहन के नकाब लगा के पर्दे में जानी, तो मुझे थोड़ी खुद फील होता था, लेकिन मैंने कहा था कि एक बड़े मकसद को हासिल करने के लिए छोटा मकसद कोई अहमियत नहीं रखता इस तरह। उसके बाद मैंने जो ला किया था वो मैंने शादी के बाद किया था, तो वो भी मैं उस वक्त हमारे डीजी खा में कोई ला कॉलेज नहीं था, मुझे मुल्तान जाना होता था हर तीन दिन बाद, दो दिन के लिए बस, ये मेरी, मुझे तो लगता था कि यही दौर, वही दौर मुझे मुश्किल लगा है जिस दौर में मैंने ला किया था, आना जाना, सफ़र करना, उस वक्त पुल नहीं था, कश्तियों का पुल हुआ करता था, कभी बंद होता था ट्रैफिक की वजह से, कभी टूट जाता था, तो वो फिर आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं क्या सूरत हाल बनती है।
तो मैं इन बच्चों से कहूंगी कि स्ट्रगल, मेहनत कहीं कहीं नहीं जाती, ना तालीम कहीं ज़ाया होती है ना मेहनत ज़ाया होती है। मैंने ला तो कर लिया था, कोई तकरीबन कुछ महीने मैंने प्रैक्टिस की थी, तो उसके बाद घरेलू मसाइल की वजह से, बच्चे की वजह से मुझे प्रैक्टिस छोड़नी पड़ी। तो मैं दुखी रहती थी कि हाँ, मैं मेरी तालीम क्या करे फ़ायदा मेरी तालीम। लेकिन अल्लाह मियां जो रास्ते बनाता है बनाता जाता है, मेरा शौक भी पूरा हो गया सियासत का, और एक किस्म की मेरी मसरूफियत भी हो गई। मेहनत के बगैर, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मेहनत के बगैर कुछ नहीं होता। मैंने बच्चों से रिक्वेस्ट करूँगी, एक बुजुर्ग की हैसियत से, एक आंटी की हैसियत से, माँ की हैसियत से, कि ये अपनी तालीम पे, अपने मुस्तकबिल पे नज़र रखें, और साथ अपने पाकिस्तान से मोहब्बत करें। ये जो अपने मुल्क से लॉयल्टी होती है ना, ये सारे तरक्की के रास्ते खोलती जाती है, और ये कहीं पीछे नहीं रखती। ये इनका अगर मेन मकसद हो कि हमने अपने मुल्क के लिए अपने अपने आप को संवारना है, तो मुल्क खुद ब खुद संवर जाता है। आमीन। दुरुस्त कहा, बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने बहन। एक्चुअली देखिए, मैं भी यही कहता हूँ, और ख़ास तौर पर इस वक्त में जो ज़रूरत है वो है इनकी डिजिटल तालीम की, डिजिटलाइजेशन के लिए। बिल्कुल, ये कि जो कुछ भी मतलब पढ़ सकें, अपनी तालीम हासिल कर सकें, ताकि डिजिटल वर्ल्ड में। और मैंने देखा बहन, मुझे तो, मैं दो मिनट आपके लूंगा, जस्ट आपसे शेयर करता हूँ। मैं कोई ज्यादा मतलब, ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, आई डिड माय मास्टर फ्रॉम कॉर्नेल यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क जी, और मैंने हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट में वहां से मास्टर किया अपना। लेकिन साथ ही साथ वो मुझे, चूंकि टेक्नोलॉजी का बहुत शौक था, तो ये जब फरवरी में लॉकडाउन की बात शुरू हुई और मार्च में जब लॉकडाउन हुआ, तब मैं इस डिजिटल वर्ल्ड के साथ अटैच हुआ, और दो महीने तीन महीने में अल्हम्दुलिल्लाह मैंने दिन रात लगाकर इसको समझा, इसको पढ़ा, डिजिटल वर्ल्ड क्या होती है, डिजिटलाइजेशन क्या होती है, कंपोनेंट क्या होते हैं। अब आकर मैंने ये देखा है कि हमारे नौजवानों को, चाहे बच्चे हों, बच्चियां हों, इवन बच्चियों के लिए कितना बड़ा ये उनका एक एडवांटेज है कि वो अपने घर में बैठकर बगैर किसी से बात किए, बगैर किसी के सामने आए, वो दुनिया के साथ काम कर सकती हैं। और उनको बिल्कुल बिल्कुल, इस पर थोड़ा सा जरा बताइए आप। मैं पहले भी कह चुकी हूँ, अभी कहूँगी कि बच्चियों और बच्चों में आजकल तो कोई फर्क ही नहीं है, बल्कि होना भी नहीं चाहिए। एजुकेशन के लिहाज से मेरे दो बेटे हैं, तीन बेटे हैं, मैं अपना थोड़ी सी मिसाल दे के बताती हूँ। मेरी एक बेटी इंटीरियर डिजाइनर है, एनसीए से पढ़ी है, एक डॉक्टर है, और एक कॉम्सेट में काम करती है, पढ़ी हुई भी वहीं से है, कॉम्सेट से। तो मैंने नहीं सोचा, मेरे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हस्बैंड ने भी बच्चियों और बच्चों की तालीम के लिए। मैं तो समझती हूँ कि बच्चों ने आसान एजुकेशन हासिल की है, बच्चों ने मुश्किल लड़कियों ने की है। तो लड़कियों के लिए कभी ये फ़र्क नहीं रखना चाहिए उनको, बल्कि मेरे लड़की, आजकल की जो लड़कियाँ हैं, हर चीज, हर महकमे में, हर शोबे में, क्या पुलिस हो, क्या हवाई जहाज तक चला रही हैं, कि जो भी कोई ऐसा महकमा नहीं है जो जिसमें वो काम ना कर रही हूँ। पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत कमीशन आती हैं, पुलिस में जाती हैं, और भी कई शोबे हैं जिसमें ये काम करती हैं। इनको किसी किस्म की रुकावट नहीं डालनी चाहिए, और ना ही कोई हुकूमतों को तफरीक रखनी चाहिए कि लड़कों के लिए वो शोबे मख्तस हैं, लड़कियों के लिए वो शोबे मख्तस हैं, क्योंकि लड़कियां हर शोबे में काम कर सकती हैं। क्या इनकी स्पोर्ट्स हैं, गेम्स हैं, कौन सी ऐसी चीज़ है जिसमें ये काम ना कर रही हूँ बराबर उसके मर्दों के। तो हेलो, आपने दुरुस्त कहा वाकई में जी। अगर देखा जाए तो आज, बल्कि मैं तो ये कहूंगा, देखिए जो सीएसपी ऑफिसर्स हैं उसमें हमारी बच्चियां ज्यादा क्वालिफाई करती हैं। बहन आपको आवाज आ रही है? ज्यादा क्वालिफाई करती हैं, ज्यादा। और इसी तरह अगर हम डॉक्टर्स की बात करें, मेरी अपनी बड़ी बेटी डॉक्टर है जी, उसने टॉप किया था। तो ये वाकई आपने दुरुस्त कहा, और बच्चे शायद उतनी मेहनत नहीं करते कि जितनी बच्चियां करती हैं। इसीलिए मैं तो बार बार कहता हूं जी कि इस वक्त में हमारे बच्चियों को चाहिए कि वो आगे आएं, और इस डिजिटल वर्ल्ड में। लेकिन फिर हमें वो तानिया मैम जैसे लोगों से डर लगता है, उनका क्या करें जरा बताइए। नहीं, ये फिर वो जातियात चला जाता है, इसको रहने दे, आप उसी पे रहें।
नहीं बहन, लेकिन मजबूरी है। अब आप देखिए, उन्होंने पूरे मुल्क के 8 महीने 10 महीने जाया कर दिए। 10 महीने वो यहाँ पर रही और 10 महीने में कुछ भी नहीं किया सिवाय अपनी जात के लिए, सिवाय अपनी कंपनी बनाने के लिए, उसको करप्शन में डालने के लिए। उसका भी तो हमें कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा ना, कि जो ऐसे लोग हों उनको फिर हम यही कैसे, फिर मैं तो यही कहूंगी कि जो जो उनके सरपरस्त हैं, सरपरस्त हैं, उनको चाहिए था वो निगरानी करते या नजर रखते, दूसरे लफ्ज में उनके उनका भी चेक एंड बैलेंस होना चाहिए था, यही कह सकती हूँ। आप दुरुस्त कह रही हैं, आप तो शायद कम अल्फाज में है, मैं तो यकीन करें बहुत इमोशनल हो जाता हूँ। बाकी मैं किसी चीज को पॉलिटिक्स में नहीं लाता, लेकिन इस चीज पे जरूर लाता हूँ कि वो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को एतमाद में लेकर और धोखा दिया। बिल्कुल इसी तरह शायद आप सही कह रहे हैं। अल्लाह हमारी मदद करेगा, हम तो मुसलमान हैं, ईमान है इस बात पर जी, जो गलत जी। है। जो दुख है वो इस बात का है कि उन्होंने खुद पॉलिसीज बनवाई, उन पॉलिसीज के मुताबिक मैं इसलिए जी क्योंकि मैंने ये सारा केस प्लीड किया, और उससे बड़ी बात ये है उन्होंने तफरका फैलाने की कोशिश की। वो ऐसे कि उन्होंने ये कहा कि जी मैं इसलिए रिजाइन दे रही हूं कि मेरी फॉरेन नेशनैलिटी है, ये उन्होंने और ज्यादा मतलब वो एक तो चोरी और ऊपर से सीना जोरी वाली बात है, कतई तौर पर ये मुनासिब नहीं था। उन्होंने जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं उनको ह्यूमन शील्ड बनाया अपना, उनके ऊपर ये बात डाली कि चूंकि मैं ओवरसीज पाकिस्तानी हूँ लिहाजा मेरे से ये डिस्क्रिमिनेशन की जा रही है और मुझे एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा और मुझे काम नहीं करने दिया जा रहा। यकीन कीजिएगा, मैं चूंकि डिजिटल वर्ल्ड को समझता हूँ, जो दुनिया में जिम्मेदार हैं डिजिटलाइजेशन के, जिन्होंने काम किए हैं अपनी कौमों के लिए, अपने लोगों के लिए, जब मैंने उनके बारे में पढ़ा, वीडियोस देखी, तो हमें तो लगा कि इन्होंने तो COVID-19 में खास तौर पर जो सब काम डिजिटल हो सकते थे, क्या वो प्रपोज नहीं किए प्राइम मिनिस्टर को, आप वर्चुअल मीटिंग्स करें, आप जो है ज्यादा से ज्यादा नेशनल असेंबली के सेशन, कुछ भी नहीं उन्होंने प्रपोज नहीं किया। एक दफा भी उन्होंने कोई ओपन वेबिनार नहीं किया, जो पॉलिसी में जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनके साथ राबता नहीं किया, जो लोग डिजिटल वर्ल्ड के पूरी दुनिया में पाकिस्तानी काम कर रहे हैं उनसे राबता नहीं किया। पता नहीं वो क्या मिशन में थी, बहरहाल चले जी वो उनका अपना मामला था, हम क्या कह सकते हैं। मैं तो ये सोच रहा हूँ मैम, मैं आपको बल्कि क्योंकि जरूर उस पर भी दावत दूंगा, हम एक डिजिटल पाकिस्तान सरकार का है जी, एक डिजिटल पाकिस्तान उन लोगों का है जो वाकई में पाकिस्तान को तरक्की कराना चाहते हैं। जैसे मेरा बड़ा दिल खुश हुआ, आपने 2-4 बातें इतनी अच्छी की हैं कि आप भी बिल्कुल क्लियर माइंड के साथ हैं कि जब तक हमारे मुल्क में डिजिटलाइजेशन नहीं होगी, हम ज्यादा से ज्यादा अपने बच्चों को डिजिटलाइजेशन की तालीम नहीं देंगे, हमारा मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। बिल्कुल, तो इन चीजों को देखते हुए हमने जो अपना डिजिटल पाकिस्तान नेटवर्क बनाया है जी, उसमें इसीलिए मैंने ये जो हमारा डिजिटल सेनेटर शो है ये उसी की एक कड़ी है, और इसमें मैं जितने पॉलिसी मेकर्स हैं जी उनको लेकर आ रहा हूँ, इसीलिए कि वो आए आकर लोगों के जो कमेंट्स हैं वो भी देखें, कुछ डिस्कशन करें, थोड़ा सा एक हम अपना लाइक माइंडेड लोगों का एक ग्रुप बनाएं, और इंशाल्लाह हम जितने लोग हैं हम सारे, आप जैसे आप हमारी बहन हैं, आप भी चाहती हैं किसी पार्टी से ताल्लुक हो, पार्टी लाइन अपनी जगह पे है। मैं तो समझता हूं कि जितना शहबाज शरीफ साहब ने डिजिटलाइजेशन में काम किया और जितने अच्छे तरीके से उन्होंने वेबिनार शुरू किए, उनसे पहले ये होता था कि अगर मुल्तान का कमिश्नर साहब आ जाते हैं या DIG साहब आ जाते हैं तो पीछे तो उनके 2 दिन के लिए दफ्तर बंद हो जाते थे जी, बिल्कुल, और आधे घंटे की मीटिंग चीफ मिनिस्टर से करनी है जी। तो इसी तरह कितनी मीटिंग्स हम कर चुके हैं मियां साहबान के साथ, इस तरह घर बैठे बात भी हो जाती है, उनकी पॉलिसीज का भी पता चल जाता है, हमें जो ऑर्डर देने होते हैं, ऑर्डर कह सकें जो हाँ जी, वो भी पता चल जाता है, कोई मसला नहीं होता, ये सबसे बड़ी बात है। ये इस्तेमाल है ना जी डिजिटलाइजेशन का, आने वाले वक्त में तो इसकी बहुत जरूरत है। दूसरा मैम, हम को एक अपना डिजिटल पाकिस्तान पार्लियामेंटेरियन समिट करा रहे हैं, जितने हमारे सेनेटर्स हैं, MNAs हैं, वो उसमें हिस्सा लेंगे, पॉलिसी मेकर्स हैं,
तो मेरी आपसे भी दरखास्त होगी कि 14 अगस्त को आप हमें थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, हम उसको दो सेशंस में करेंगे, एक सुबह में और एक इवनिंग में, जो आपको सूट करे आप जरूर आइए। हम चाहेंगे कि आप भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, आप भी हमारे अपनी ताकत को हमारे साथ लगाएं, ताकि हम सब मिलकर पाकिस्तान को आगे लेके जाएं। आखिर में एक बार फिर मैं आपसे दरखास्त करूंगा कि आप कोई मैसेज देना चाहें हमारे बच्चे बच्चियों के लिए, कौम के लिए, जो लोग हुकूमत वक्त हैं उसके लिए, जो डिजिटल वर्ल्ड के लोग हैं उसके, जो आप मैसेज देना चाहें। ओवर टू यू मैम, प्लीज। हम ये डिजिटल जो टेक्नोलॉजी कह सकते हैं, ये डिजिटलाइजेशन कह सकते हैं, इसका मैं ये कहूँगी कि आज का जो जिस तरह COVID-19 चल रहा है, इसका दौर है और हर तरफ परेशानी थी, लेकिन हमने अब इस परेशानी को कबूल करके रिलैक्स होना शुरू कर दिया। मेरा खुद पॉजिटिव आया था, सब पूरे घर वालों का हमने टेस्ट करवाया था, ऐसे ही जैसे तीन महीने हम सारे घर बैठे रहे थे, 18 मार्च से तकरीबन कोई 27 मई तक। तो बस वो तो ये था कि अब मुलाजमों को छुट्टी कर दी थी, मैं जाती सी बात कर रही हूँ, तो ये था कि अब टेस्ट करवा लेते हैं, फिर बुला लेंगे सबको। टेस्ट करवाया तो मेरा पॉजिटिव आया, और मुझे तीन दिन हल्का सा बुखार रहा, लेकिन मैंने उसको फील नहीं किया, लेकिन वो बढ़ता गया, पूरा एक महीना मैं कमरे में बंद रही। मेरा अपना तजर्बा बता रही हूँ, पूरा दरमियान में टेस्ट करवाया, दोबारा पॉजिटिव आ गया, तो मैं कमरे से ना निकली कि मेरे बच्चों को ना लग जाए, जिस तरह होता है। बहरहाल वीकनेस, तबीयत खासी खराब रही है। जब उस वक्त मैंने ये सोचा, ये पेंडेमिक जो आजकल आया हुआ है, हम इसको किस तरह ख़त्म भी करते जाएं साथ साथ, और इसका लेकिन इसकी बहुत सारी बातें हमने सीखी हैं, मैंने तो सीखी हैं, इससे मुझे अंदाज़ा हुआ है कि ये जो डिजिटल हेल्थ टेक्नोलॉजी है इसको मजीद बढ़ाना चाहिए, और इससे हमें बहुत सारे फायदे भी हो सकते हैं, हम इससे बहुत सारे दूसरे मसाइल जैसे अपना हमारी पॉपुलेशन स्क्रीनिंग है वसाइल, इसके अलावा एलोकेशन है, प्रॉपर्टीज वगैरह का जो है हम सब करते हैं, इस सब का हमें मुझे पता चला है, और ये जो अपना हमारे पॉपुलेशन है इसकी, इसका इन्फेक्शन का ये क्या होता है, किस तरह होता है, क्या बीमारी है, ये सारा, तो ये सोशल डिस्टेंसेस क्या चीज़ है, क्यों है, फिर लॉकडाउन, ये सारा पता चला है। ये मैंने कहा कि अगर ये डिजिटल, ये आज है ना दौर आजकल, इसमें से आधे काम डिजिटल स्टाइल से हुए हैं और आधे दूसरे हुए हैं, तो ये अगर ये इसी तरह मजीद आगे बढ़ती जाए हमारी ये टेक्नोलॉजी, डिजिटल टेक्नोलॉजी, हमारे बच्चे हमारी नस्लें इसको पढ़ें तरक्की करें इसमें, तो बहुत सारे मसाइल हल हो सकते हैं। और इसके बगैर, वैसे आजकल डिजिटल टेक्नोलॉजी के बगैर गुजारा नहीं है, कौन सा काम है जो हम अकेले में कर सकते हैं, बच्चों के स्कूल पढ़ने एजुकेशन तक, कोई फन सीखने तक, हर चीज़ जो है वो इस डिजिटल उस पर आ जाती है। हम डिजिटलाइजेशन के लिए जितना भी चाहें ज़्यादा काम के लिए मैं रिक्वेस्ट करूँगी हुकूमत के वक्त को भी और आने वाली हुकूमतों को भी कि वो इस पे भरपूर तवज्जो दें, ताकि हम दुनिया के साथ साथ चल सकें, हम हमेशा तरक्की पजीर ममालिक मुल्क क्यों कहलाते रहें, हम इस तरह की तालीम बच्चों को देकर तरक्की याफ्ता ममालिक में शामिल क्यों ना हों। हेलो जी बहन, बोलिए आप। हेलो, हाँ जी, हेलो। हाँ, मैं कह रही थी कि हम परफेक्ट आ रही है। जी जी बोलिए प्लीज। हाँ, तरक्की पजीर मुल्क हम क्यों कहलाते रहे, बच्चे मॉडर्न एजुकेशन हासिल करें, टेक्नोलॉजी की तालीम हासिल करें और तरक्की याफ्ता ममालिक में अपने मुल्क को ले जाएं। मेरा यही पैगाम है हुकूमत वक्त से भी, आने वाली हुकूमतों के लिए भी, कि उनका वो इस चीज़ को फोकस करें, इस चीज को टारगेट करें कि भाई ये टारगेट हमने इसे हासिल करना है अपने बच्चों के लिए, अपनी नस्ल के लिए, अपने पाकिस्तान की तरक्की के लिए। बहुत अच्छी बात है बहन, थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम दिया, आप तशरीफ लाई, और इंशाल्लाह हमारी रिक्वेस्ट होगी कि आप अपने हल्का अहबाब में, बिलखसूस जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, उसमें इस बात को उजागर करें
कि आने वाले वक्त में डिजिटलाइजेशन की कितनी जरूरत है और हम हकूमत को मजबूर करें एक ताकत बन के, पार्लियामेंटेरियंस की एक सोच बन के, एक कलेक्टिव मूव के तहत कि जितनी जल्दी हो इस पर जो लेजिस्लेशन जरूरत है वो लेजिस्लेशन की जाए। मैम हमारी हमारी ख्वाहिश है, हमारी गुजारिश है दोनों हाउसेस से, मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि हम एक ऐसा रेजोल्यूशन लेकर आए कि एक ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी दोनों हाउसेस की बने। तो आपसे भी रिक्वेस्ट होगी, ख्वाजा आसिफ साहब से भी बात करूंगा, इवन मियां साहब से लंदन भी बात करूंगा इस बारे में। जी मेरा है उससे रابطہ वहां पर। जी जी पुराने ताल्लुकात हैं जी मेरे से। जी 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 अल्लाह उनको सेहत तंदुरुस्ती दे जी। और मैं तो हमने हमने अपनी कौम के लिए ये करना है। अगर बिलावल से रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, जरदारी साहब की तो तबीयत अच्छी नहीं है, हम उनसे भी करेंगे, मौलाना फजल रहमान साहब से भी करेंगे, अपना सिराजुल्लाह साहब से भी करेंगे, जो जो इवन बलोचिस्तान की पार्टियों के जो लीडर हैं, जिस जिस पार्टी के लीडर हैं, इवन खान साहब को तो मैंने ऑलरेडी कहा है जी। और इंशाल्लाह ये 14 अगस्त के बाद हम इसको एक पूरा रेवोल्यूशन, क्योंकि देखिए डिजिटलाइजेशन इज अ रेवोल्यूशन, कि जब हम सारे ये पूरा एक इंकलाब है, जाना चाहेंगे एक इंकलाब है जी। और इसके लिए हमें एक तहरीक चलानी पड़ेगी और उस तहरीक में दो फोर्सेस जो है उनकी बहुत ज्यादा जरूरत है। एक नौजवान वो जो डिजिटल वर्ल्ड के लिए ऑलरेडी काम कर रहे हैं उन्हें अपना फ्यूचर बनाने के लिए और हमारे साथ चलना पड़ेगा, और दूसरा जितने लेजिस्लेटर हैं जो जहां जहां बैठे हैं, अगर हम सब मिलकर इसको एक तहरीक की शक्ल देंगे और इसका एक इंकलाब लेकर आएंगे तो आने वाले वक्त में इंशाल्लाह हमारे मुल्क में तरक्की होगी। बहुत शुक्रिया बहन, अल्लाह हाफिज, आप बहुत मेहरबानी। तंजीम करूंगा जी इसको। साथियों जैसा कि आज के प्रोग्राम में आपने देखा, हमारी बहन का ताल्लुक एक रिमोट एरिया से है। इसी तरह एक और हमारी एमएनए बहन जो बलोच हैं, मुसरत बीबी बलोच, तो उनका वो हालांकि पीटीआई की हैं और उनका ताल्लुक एक बलोचिस्तान के रिमोट एरिया से है। और इस तरह हमने पार्लियामेंटेरियंस देखे कि जिनकी ख्वाहिश सबकी ये है और उन सबको अवेयरनेस है। यकीन कीजिएगा मैं तो ये जिस तरह ये मुहिम हमारी जो है ये आगे बढ़ रही है और इसमें लोग मिलते जा रहे हैं, मैं इंशाल्लाह पुरउम्मीद हूं कि आने वाले वक्त में ये एक तहरीक बन के सामने आएगी। शायद अभी हम थोड़ा सा जल्दी इसको इस शक्ल में देख रहे हैं, लेकिन जरूर, और उसमें जो सबसे बड़ा किरदार होगा वो पार्लियामेंटेरियंस का, पॉलिटिशियंस का, क्योंकि जब वो मैदान में आएंगे और आकर पाकिस्तान को डिजिटलाइज करना चाहेंगे, अब जो फोर्स होगी उसमें, जो जो हमें हमारे कमांडोज होंगे, जो हमारी वर्क फोर्स होगी वो होगी डिजिटल वर्ल्ड की यूथ, बच्चे और बच्चियां, उन्हें अपना फ्यूचर बनाने के लिए इस तहरीक में शामिल होना होगा। और इंशाल्लाह हम ये रेवोल्यूशन, ये इनकलाब पूरे मुल्क में लेकर आएंगे ताकि आने वाले वक्त में हमारे बच्चे जो हैं कम से कम वो उस तरह का पाकिस्तान ना देखें जो हमारा है, जिसमें करप्शन के चार्जेस दुनिया पूरी लगाती है। हमारे मुल्क में ये कहा जाता है कि मेरिट बेस बिल्कुल नहीं है, हमारी इकोनॉमी जो है वो डॉक्यूमेंटेड नहीं है, और हमारे यहाँ लोग जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं। इन सब चीजों का हल अगर देखा जाए तो सही मानों में वो डिजिटलाइजेशन है। तो हम इंशाल्लाह डिजिटलाइजेशन की बढ़ेंगे। इसीलिए मैं कहता हूं कि कौन बनाएगा पाकिस्तान को डिजिटल पाकिस्तान, मैं, आप, हमारे पार्लियामेंटेरियंस, हमारी यूथ, सब मिलकर इंशाल्लाह हम अपने प्यारे पाकिस्तान को, बहुत प्यारा पाकिस्तान बनाएंगे और अच्छे से अच्छी बड़ी कौम बनकर दुनिया के सामने आएंगे। अब मैं आपसे इजाजत चाहूंगा, अल्लाह आपका हाफिज और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।